आईटी की छापेमारी। दैनिक भास्कर के अहमदाबाद स्थित ऑफिस पर सुबह 5 बजे इनकम टैक्स ने छापा मारा। 1.5 घंटे तक पत्रकारों का काम रोक के रखा। सोमवार से ऑफलाइन पढ़ाई। प्रदेश भर के स्कूल में कक्षा 9 से 11 तक की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ 26 जुलाई से शुरू होंगी। सीएम की अध्यक्षता में कोर कमेटी का फैसला। ट्रांसवुमन को मिली पहचान। सूरत में 39 साल से पुरुष के रूप में रह रहे संदीप की सर्जरी हुई और बन गई आलिशा। सरकार ने उन्हें सर्टिफिकेट के साथ महिला के रूप में मान्यता दी। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पर्म सैंपल लेने के कुछ ही घंटे के भीतर वडोदरा में पति की मौत। आईवीएफ प्रक्रिया के बाद पत्नी बनेगी मां। गैंग रेप के 5 में से एक आरोपी ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में लगाई फांसी। सुसाइड नोट में परिवार से माफी भी मांगी। कार की लूट। प्रेमिका को मुंबई घुमाना था तो युवक ने बुजुर्ग को एयरगन दिखा लूट ली कार। 6 घंटे बाद युवक गर्लफ्रेंड के साथ नवसारी से गिरफ्तार। गोरखपुर में आज सीएम योगी रखेंगे सैनिक स्कूल की आधारशिला। 50 एकड़ भूमि पर होगा भव्य निर्माण। यूपी में अटल आवासीय स्कूलों में होगी कोरोना से अनाथ बच्चों की पढ़ाई। सीएम योगी ने की बाल सेवा योजना की शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए। 12 विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। दैनिक भास्कर पर आईटी के रेट के खिलाफ भड़का जन आक्रोश। विपक्षी दलों ने सरकार पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आम लोगों ने कहा मैं भी भास्कर हूँ। योगी ने युवकों से की अपील। सीएम योगी ने लगातार 3 ट्वीट किया, कहा किसी के बहकावे में ना आए, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी है वह गलत काम करे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर तोड़फोड़। पार्टी का आरोप, केजरीवाल के गुंडों ने किया हमला। सागर हत्याकांड, तिहाड़ जेल में टीवी देख सकेंगे पहलवान सुशील कुमार। सुशील ने टीवी पर ओलंपिक देखने की इच्छा जाहिर की थी। तिरंगे के कपड़े की गुणवत्ता सुधारेगा आईआईटी दिल्ली, एफएफआई के साथ किया समझौता। सागर राणा मर्डर केस में सुशील कुमार का एक और करीबी सुरजीत गिरफ्तार, उगले कई राज। 15 अगस्त तक लाल किले के आसपास संदिग्ध को देखते ही एफआरएस करेगा रेड अलर्ट। किसान आंदोलन, केंद्र मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नहीं मवाली हैं। विवाद के बाद बयान वापस लिया। डोमेन नेम सिस्टम में गड़बड़ी, अमेजोन जोमेटो और पेटीएम समेत दुनिया भर की 29,000 वेबसाइट ठप, इनमें से कई एयरलाइंस, बैंक और टेक कंपनियां भी शामिल। पोर्न मूवी केस, राजकुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस को 25 लाख रुपए दिए, एसीबी को मिले 4 मेल में दावा। महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में बारिश की तबाही। रत्नागिरी का चिपलूण शहर बाढ़ में डूबा, सड़कों पर 15 फीट पानी, 2 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे। आशीष चौहान को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिया मुंबई रत्न अवार्ड। एमपी की विदिशा में भारी बारिश, घर बहा, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां और कई घर डूबे। 4 दिन तक भोपाल समेत पूरे प्रदेश में भारी बारिश होगी।